जिनंद गांव से हूं। वर्षा गुप्ता कहीं बैठी हैं? आप ही हाथ हिला दे बेटा, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। मैं वर्षा गुप्ता राजनंद गांव से हूं। मेरे बच्चेदानी में पहले एक गांठ हुई और यह डॉक्टर को बताया, इलाज चला, कोई आराम नहीं हुआ। गांठ बढ़ती चली गई, तब हम डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तब भिलाई में गए और भिलाई में जाकर हमने डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने वहां भी हमको ऑपरेशन का बोल दिया। हम फिर रायपुर चले गए, रायपुर में डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन भी करना पड़ेगा और पेट में एक इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा जिससे ये गांठ बढ़ना कम हो और फिर इसका ऑपरेशन हो। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे गर्भाशय में पहले एक गठान थी, अब धीरे धीरे वो दो और तीन गठान हो गई है, वो गठान बढ़ती जा रही है, करें तो करें क्या? मन नहीं करा ऑपरेशन कराने का। तब हमारे को मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तू एक काम कर, रोज शंकर जी के मंदिर में जा और शिव जी का चढ़ा हुआ जल उठाकर नंदी के पास बैठकर उसको पीना प्रारंभ कर। मैं जल लेती, नंदी के पास बैठकर पीती, बेलपत्र उठाकर उसको खाती और पशुपतिनाथ का व्रत करती। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। 22 दिन के बाद मैं वापिस जांच कराने के लिए रायपुर गई तो रायपुर के डॉक्टर ने कहा, सोनोग्राफी कराई और जांच में आया कि जो अंदर तीन गांठें थी वो पूरी गांठें समाप्त हो गई थी और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। अब मेरी कोई दवाई गोली कुछ भी नहीं चल रही और बाबा की कृपा से मैं ठीक हूं। तेरी कृपा बिना नहिले तेरी कृपा बिना नहिले एक भी अणु लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु गंग धार मुक्ति ओंकार भोले ओंकार आयो शरण तिहार शंभु तार तार बखान क्या करो मैं राखो के ढेर का झपटी भभूत में खजाना कुबेर का हे गंग धार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहाई शंभु तार तार तू। पार्वती जी से